सवाल नहीं है मेरा, मेरा शेर है आपके लिए। जब आप कराची छोड़ने वाले थे ना, तब मैंने लिखा था, आज अर्ज कर रहा हूँ। बताओ। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ? वाह। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए? मुझे तो पता है। और बाल बनाऊँ किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ तो किसके लिए? वाह वाह, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ तो किसके लिए? वाह वाह वाह, मैं आपको 2-3 नंबर दूंगा बाहर जाने के लिए, अब उनके लिए बाहर जाना। थैंक यू बेटा जान। अस्सलाम वालेकुम, कौन है अगला? वालेकुम सलाम। क्या करते हैं दोस्त? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, नाम क्या है? कासिम। कासिम, सवाल। मेरा कैनात मैम से सवाल है कि आपका नाम कैनात है, आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है कि आप मेरी, तुम मेरी कुल कैनात हो? मेरे मियां ने। कच्ची होगी, कोई चांस नहीं तुम्हारा। पिकअप लाइन मारने वाले थे ना, उन्होंने कहा मेरे मियां ने। और आपको इस किसी ने, किसके अलावा किसी ने बोला? नहीं, कोई चांस नहीं बेटा, और मजीद मत भाव इन ताल्लुकात को। अगला कौन है? एक सेकंड, माइक नहीं चला दोस्त, करीब करो, उसको छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, क्या नाम मेरा, है? मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं स्टडी कर रहा हूँ आईकॉम। अच्छा, वेरी गुड। सवाल जी, मेरा सवाल है उस्मान भाई से, वो कराची किंग टीम को भी वो कर रहे हैं सपोर्ट, तो उनसे टीम, मेरा सवाल है कि इस टाइम ज्यादा बुरे हालात कराची किंग के हैं कि कराची शहर के हैं? अरे बहुत मुश्किल सवाल है ये। मेरे ख्याल से कराची शहर के ज्यादा बुरे हालात। अच्छा, कराची किंग्स में थोड़े अभी प्लेयर व्लेयर आ गए। उस्मान भाई, अभी मैंने सुना पीपल्स पार्टी ने सीटें भी जीती हैं, तो काम कराया होगा तभी जीती हैं। काम थोड़ा चल रहा है, काम चल रहा है, काफी चीजें डेवलप हो गई हैं। हाँ, मतलब लिफ्ट एंड बोर्ड बेसिन वगैरह, ये अभी थोड़ा अभी आपका कब चक्कर लगा है? अभी आई हूँ, 3 दिन। कौन से इलाकों से आ रही हैं आप? नहीं, बाकी बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत सुस्ती से हो रहा है। ठीक है, मसला ये तो है बेटा, दुआ करें आप। लेकिन आपसे भी सवाल है, करो बेटा। आप अपने घर में बहन भाई तो होंगे आपके, आप सबसे करीब कर लो माइक, करीब। आप सबसे छोटे हैं के सबसे बड़े हैं? सबसे छोटा। ओ ठीक है। क्या आपकी आपकी क्या छोटे होते हो कोई, यानी कि किसी ने कोई खिंचाई वगैरह, कोई इंसल्ट वगैरह होती रही है? हस्ती भाई कहीं, तभी तो उसका बदला ले रहा हूँ आज सबसे दुनिया से मैं। चलो चलो अगला सवाल, और भी लोगों को टाइम है बेटा। आखिरी सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। सवाल है, जिस तरह आजकल सिलेक्शन हो रही है, लोगों को फील्ड में लाया जा रहा है और उन लोगों को उस फील्ड की एबीसी भी नहीं पता, तो आप उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? ये तो पूरी फील्ड लॉस, ये सिफारिश वगैरह चल रही है और वो तो पूरी फील्ड जो है लॉस में जा रही है, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? इलेक्शन के बारे में ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं जो जिनको उनका नहीं पता है। मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, पीसीबी का चेयरमैन बना दिया उन्हें, तो पूछ उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, और भी लोग हैं मगर बेसिकली वो बात कर रहे हैं अंदरूनी अल्फाज जाते हैं, और जो बारिश और बड़े आदमी है जो भी ना हो तो उनको आगे लाया जाता है, ये गलत। सिंपल ये है कि उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला करे कि ये ना हो, पर ये होता है तो फिर बुरे हालात होते हैं। अब आप जो मैरिड लोग होते हैं उनको पीछे कर देते हैं, जो अनमैरिड होते हैं उनको आप आगे ले जाते हैं, तो वो फिर काम खराब करते हैं। यही तो वो कह रहे हैं, यही तो वो कह रहे हैं। बहरहाल खवातीन आजाद, थैंक यू ऑडियंस, बहुत प्यारी ऑडियंस थी, अपने लिए ताली बजाइए। भाई ने माइक ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अपना कान साफ कर लिए, माइक से कान साफ करेंगे अभी, माइक ऐसे कान साफ करेंगे। वक्त आ चुका है एचएमएच कप का रिजल्ट देखने का, देखते हैं एचएमएच कप का आज का विनर कौन है, क्या लगता है रजाक भाई कौन होगा? उस्मान भाई। उस्मान भाई, जाहिर ही बात, दिखाओ बेटा कौन? उस्मान मजा कर रखे। और पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं, कौन पॉइंट्स टेबल को नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, लीडर लीडर पॉइंट्स टेबल को लीड कर रहे हैं, लीड कर लीड कर। अच्छा, स्क्रीन में पॉइंट्स टेबल ही आ रही है, सबसे ऊपर है कराची, कराची सबसे ऊपर। वाह 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 वाह, 2 मैचेस खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट्स लिए, मगर एवरेज सबसे अच्छी क्योंकि आज बहुत बड़ी मार्जिन से। दूसरे नंबर पे रजाक भाई हैं, 1 मैच खेला 1 जीता और अच्छी एवरेज है। कोयटा यानी मुल्तान तीसरे नंबर पे, कायनात ने 1 मैच खेला 1 जीता, अच्छा खेल रही है। सुनील भाई ने 2 खेले 1 हारे और एज यूजल बॉटम ऑफ द टेबल है। इस्लामाबाद हेरा इसलिए नीचे क्योंकि अभी तक उन्होंने 1 भी मैच नहीं खेला, वो फ्लाइट उनकी मिस हो गई थी, कल आएंगी इंशाल्लाह। मरियम, कोई स्ट्रेटजी है कैसे इंप्रूव करेंगी, क्या करेंगी? रजी भाई से कुछ नहीं पूछ। हाँ, ये अच्छी स्ट्रेटजी। रात रात में आप रजी भाई से ना पूछ।